हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि मल्टीपल टैक्स अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है हमसे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम कैसे मल्टीपल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आइए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। न्यू फाइल से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जा करके इसका नाम मैं दे देता हूँ मल्टी टैक्स रेट। ओके, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आईडी आ रही है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम कर दिया, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ये, प्राइस यानी इसकी कीमत कितनी है, ठीक है, नंबर रखेंगे इसको, वेट, यहाँ पे वेट भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं वेट नहीं डालता, इसको अभी रहने देता हूँ, ठीक है। प्राइस हो गया, अब यूनिट डालेंगे तो यूनिट भी नंबर डेटा टाइप होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और उसके बाद यहां पे टोटल करेंगे, यहां टोटल कर दिया हमने, ओके, और ये टोटल भी नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। यहां पे हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, मल्टीपल टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पे लिखता हूं मैं टैक्स इन परसेंट, ओके, इसको भी हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, टैक्स अमाउंट, ठीक है, तो यहां पर टैक्स अमाउंट लगा दिया हमने, और यहां पे भी नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे हम। ये प्राइमरी की है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगली वीडियो हम फॉरेन की देखने वाले हैं, तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम मल्टीपल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पे जो हमने टैक्स अमाउंट लगाया, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मल्टीपल टैक्स अमाउंट नहीं लगाया है, तो यहीं पे गलती होती है। हम वापस चलते हैं डिजाइन व्यू पे, ठीक है, और टैक्स इन परसेंटेज जो दिया हुआ है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से आ जाइए आप लुकअप विजार्ड पे डायरेक्टली, और इसको कर दीजिए आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो वैल्यूज दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया 10%, 25%, 28%, ये तीनों वैल्यूज हमने दे दी हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए। तो ये हमारा काम हो गया बहुत ही आसान, इसको सेव कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हमें देना है प्रोडक्ट नेम, जैसे सपोज कीजिए रेडमी मोबाइल देते हैं हम, रेडमी मोबाइल, ओके, प्राइस है इसकी यूनिट 60 यूनिट बिके हुए हैं, सॉरी 60 यूनिट इसकी बिकी हुई है, तो यहाँ पे टोटल अब कैलकुलेट करना है, यहां से हमारा काम शुरू होता है, ठीक है। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं क्वेरी डिजाइन में, क्योंकि कैलकुलेशन का सारा काम हम क्वेरी डिजाइन में जाके करते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए, ये ऐड करवा दिया हमने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आईडी जो दिख रही है अब इसको एक एक करके इंसर्ट करवाते चलिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा इंसर्ट होता जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे टैक्स इन परसेंटेज तक हम आ चुके हैं, अब टैक्स अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है तो कोलन लगाइए और अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, पी आर आई सी ई, प्राइस दे दिया हमने, इनटू प्राइस इनटू यूनिट करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, प्राइस इनटू यूनिट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, मैं आपको जूम व्यू में भी लेकर के इसको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इसको, आपको ठीक यही फॉर्मूला लगाना है टोटल कैलकुलेट करने के लिए। ओके करिए, फिर टैक्स इन परसेंटेज पे, तो टैक्स इन परसेंटेज तो पहले से ही डिसाइडेड है, टैक्स का अमाउंट हमें कैलकुलेट जरूर करना है कितना आएगा, तो आप इसको भी मैं जूम व्यू में ले लेता हूं यहां से, ठीक है। और यहां पे हम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले टोटल लेते हैं, क्योंकि टोटल से ही हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा, टोटल इन टू टैक्स इन परसेंटेज जो भी है, टैक्स इन परसेंट, ठीक है, ओके, तो ये कर दिया हमने टैक्स इन परसेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, अपॉन 100, तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सीधा रन पे क्लिक करना है, तो यहां पे देख सकते हैं आप कि रेडमी मोबाइल का जो बिका हुआ है स्टॉक, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट होके आ गया है। अब यहां से हमको टैक्स कैलकुलेट करना है कि इस रेडमी मोबाइल पे इन तीनों में से कौन सा टैक्स लगने वाला, 28%, 25%, 10%, आप इसके जगह कुछ और भी रख सकते थे,
मैंने मान लीजिए 28% लगाया, तो ये 28% के हिसाब से टोटल कैलकुलेशन होकर आ गया। आइए दूसरा कुछ कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए जावा की बुक्स है, जावा बुक्स, ठीक है, तो जावा बुक्स का जो प्राइस है वो 700 रुपए है, ठीक है, और 700 रुपए के हिसाब से 40 बुक्स बिकी हुई है, तो उनके हिसाब से टैक्स इन परसेंटेज कितना आएगा, ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से हम 10% के हिसाब से टैक्स इसका कैलकुलेट होकर आ गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये कैलकुलेट हो जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर। अब यहां पे चलेंगे इस प्लेटफॉर्म में, हम दोनों देखना चाहते हैं, हम फॉर्म व्यू भी देखना चाहते हैं और अपना डेटा शीट व्यू भी देखना चाहते हैं, तो यहां से हम इसको सेव करते हैं, क्वेरी वन नाम से ही सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया है। अब इसको हमको सही करना है, तो अभी डिजाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्वेरी वन के नाम से नहीं रखना चाहते हैं, हम इसका नाम कुछ और देना चाहते हैं, ठीक है, तो आइए यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ और, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, नाम भी चेंज करने के पहले इसको थोड़ा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए, ताकि ऊपर हमें कोई बटन बनाना हो तो यहाँ पे बना सके हम। मल्टीपल टैक्स रेट इन एक्सेस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं यहां से आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी कलर आप जो देना चाहें यहां पे दे सकते हैं, मैं फिलहाल ये कलर दे देता हूं, ठीक है, ये इसमें आ गया है और ये वाला कलर इसमें आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है, जो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से प्राइस को सर्च करे, ठीक है, तो आइए यहां पे कॉम्बो बॉक्स के पास चलते हैं, ये देखिए ये सब फॉर्म का बॉक्स है, ये देखिए लिस्ट बॉक्स है और ये है कॉम्बो बॉक्स, तो हम कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आप लिस्ट बॉक्स भी चाहे तो बना सकते हैं, मैंने लिस्ट बॉक्स भी बनाना सिखाया है कंप्यूटर इंडेक्सल सॉल्यूशन पे जाके, डीबीएमएस वाला जो है पेज सर्च कीजिए और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हम टिक कर सकते हैं, तो इसी को मैं टिक कर लेता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और हम किसके बेस पे फाइंड करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट नेम के बेस पे फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम दे दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे दो ही चीजें हैं आप देख सकते हैं, और भी चीजें आएंगी तो और भी चीजें इसमें अपडेट होती जाएंगी, ठीक है, यहां से इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली क्लिक करना है यहाँ फॉर्म व्यू पे, ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म व्यू पे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीजें अपडेट आपको मिलेंगी, आपको जावा बुक्स की डिटेल खोलनी है तो यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रेडमी मोबाइल का डिटेल खोलना है तो यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके आप ये कर सकते हैं। आइए इसमें एक चीज और इंक्लूड करते हैं, हम चलते हैं डिजाइन व्यू पे, ठीक है, और एक चीज और इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्या इंक्लूड करेंगे कि हम कौन सा सेम टैक्स वाले रेट को इंक्लूड करेंगे, तो कैसे इंक्लूड करेंगे, यहां चलते हैं वापस एक और कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं हम, ये सेकंड कॉम्बो बॉक्स होगा, ठीक है, तो ये यहां पर क्लिक किया हमने और इस बार इसी वाले को हम टिक करते हैं और यहां से पहले आईडी के बेस पे, ठीक है, प्रोडक्ट नेम ये टैक्स के बेस पे हम खोजेंगे इसको, टैक्स इन परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 28 और 10% का टैक्स दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, आप चाहे तो और भी टैक्सेस यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हमने और फिनिश पे क्लिक किया तो यहाँ से देखिए टैक्स के भी बेस पे हम यहाँ से सर्च कर पाएंगे, तो इसको भी हम अभी सही से कर लेते हैं, क्लिक किया यहाँ पे और इसको थोड़ा हो रहा है या नहीं इसको पहले बोल्ड कर देते हैं यहां से, ठीक है, तो इसको सर्च करेंगे परसेंटेज के बेस पे, तो चलिए यहां पे देखते हैं 28% जो टैक्स था उसके बेस पे, ठीक है, यहां देखिए 28% ही टैक्स लगा हुआ है, टैक्स इन परसेंटेज, ठीक है, अब जो अब दो ही चुकी हमने बनाया 10% वाला बनाया तो 10% वाला दिख रहा है, ठीक है, अब यहां से हम इसको बढ़ाना चालू करते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां हम कीबोर्ड करते हैं कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड की जो प्राइस है वो है 200 रुपए, ठीक है, और कीबोर्ड्स के 120 आइटम बिके हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ आ गया। अब यहां पर जब आएंगे तो यहाँ पे हमको मल्टीपल टैक्स रेट जो तीन टैक्स रेट हमने दिए हुए हैं इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ 25% टैक्स, तो यहाँ पे 6000 रुपए
इसमें जीएसटी या फिर जो भी है आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। फिर दूसरा नेक्स्ट वाला जो है ये है बुक्स, ओके तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर जब आएंगे तो इसको यहां से थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर जब आएंगे तो सी प्रोग्रामिंग के एक बुक की जो कीमत है वो 410 रुपए की है, ठीक है, और एक बुक की कीमत 410 रुपए, 30 बुक्स जो है बिकी है तो उसके हिसाब से यहां पे आ गया, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग पर जो टैक्स अमाउंट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं यहां पे तीन टैक्स रेट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं 10% लगाता हूं तो 10% के हिसाब से यहां आ चुका है अमाउंट, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब फिर नीचे आते हैं, थोड़ा इसको डिजाइन व्यू में चल करके और थोड़ा सा ओके इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहां से, ओके ये हो गया। अब यहां से वापस चलते हैं फॉर्म व्यू पे, तो आ गए फॉर्म व्यू पे। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से टैक्स रेट खोलेंगे। अगर आपको आपने 10% का टैक्स लगाया होगा तो उसी का टोटल डिटेल यहां पे आएगा। तो देखिए जावा बुक्स पे आपने 10% का टैक्स लगाया है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो यहां से जा सकते हैं आप, नेक्स्ट रिकॉर्ड 10% वाले रिकॉर्ड के ही बारे में बताएगा ये, ठीक है। देखिए कभी भी ये 10% के बारे में बताएगा। अब देखिए ये खत्म हो गया, जबकि आपने देखा कि 28% का भी टैक्स लगाया हुआ है। तो अगर आप 28% चाहते हैं तो यहां से 28% वाला रिकॉर्ड आएगा। देखिए रेडमी के मोबाइल पर 28% का टैक्स लगा हुआ है, देखिए बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप यहां से भी रिकॉर्ड इंटर करवा सकते हैं, यहां पे देखिए मैं रिकॉर्ड इंटर करता हूं डेस्कटॉप ब्रैकेट में लिखता हूं असेंबल्ड, ओके तो ये हमने कर दिया। और यहां पे प्राइस जो है इसकी 32,000 रुपए डाल दिया हमने, ठीक है। और यूनिट जो है 3 है, उसके हिसाब से टोटल आ गया। और इस पे टैक्स परसेंटेज जो भी लगाना है यहां से आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं, यहां से चूज कर लीजिए। 28% का टैक्स लगा दिया हमने, तो यहां पे देख सकते हैं ये भी इसमें अपडेट होके आ चुका है, ठीक है। यहां से आप देखिए सी प्रोग्रामिंग बुक्स, ये सारी चीजें अपडेट है, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं वापिस से डिजाइन व्यू पे, यहां से देख सकते हैं डेस्कटॉप भी इसमें अपडेट हो गया है, ठीक है। अब इसमें 28% वाला हमें देखना है, तो यहां से देखिए यहां पर 28% पर क्लिक कीजिए तो आपको सिर्फ 28% वाले ही रिकॉर्ड मिलेंगे। यहां से नेक्स्ट का बटन बना हुआ है नीचे, ये देख सकते हैं आप, यहां पर क्लिक कीजिए आप तो 28% जावा बुक्स, ठीक है। कीबोर्ड यहां पर देख सकते हैं आप, ये लाइन से सबकी बात कर रहा है, ठीक है। और यहां से अगर चूज करते हैं आप तो यहां से चूज करिएगा तो जो चूज करेंगे वही दिखेगा, ठीक है। टैक्स इन परसेंटेज हमको 10% वाला देखना है, तो यहां देखिए 10% वाला जो टैक्स है वो किस पे अप्लाइड है, जावा बुक्स पे अप्लाइड है, तो ये जावा बुक्स वाली डिटेल खुल करके आ गई है, ठीक है। इसके बाद जैसे सपोज कीजिए 25% वाला टैक्स चाहिए तो कीबोर्ड पे अप्लाइड है, ठीक है। इसके बाद से 28% वाला टैक्स चाहिए तो रेडमी मोबाइल पे अप्लाइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप जहां के भी हैं, जहां के भी रहने वाले हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी और भी लोगों को हेल्प मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।